हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं गुरु अंजाना और आज के दिन मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस मूवी का नाम है ईट मी और ये मूवी 2018 में आई थी और ये हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। इसलिए इस मूवी को आप एंड तक देखिएगा और ये मूवी आपको पूरा हैरान कर देगी और बहुत ही मस्त मूवी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो बेड पे लेटी हुई है एक अजीब सी हालत में और उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। फिर अचानक वो औरत अपने बेड से उठकर एक बैग निकालती है और ख़ुद को अपने बैग के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन कुछ देर के बाद में उस औरत का दम घुटता है और उस बैग से बाहर आ जाती है। फिर वो औरत अपनी एक नई ड्रेस पहनती है और अपना नया सैंडल्स भी पहन लेती है और थोड़ा मेकअप करती है और अपने बिल्ले के लिए बहुत सारा ढेर सारा खाना रख देती है। ये औरत अपना सारा सामान छुपा देती है और फिर खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है, जिसकी वो थोड़ी पहले प्रैक्टिस करती है लेकिन वो खुद को मार नहीं पाती। वो थोड़ा पागलों जैसा बिहेव करती है और ढेर सारी दवाइयाँ भी खा लेती है जिसमें नींद की दवाइयाँ भी होती हैं। और उसे निकलने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेती है और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ और सारी वो दवाइयाँ खा जाती है। वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर ऐसे ही बैठे बैठे हंसने भी लगती है। हम इस औरत के घर में आसपास वो टंगे हुए फोटोज़ भी देखते हैं जिसमें एक बच्चा भी था, जिसके बाद दो चोर अचानक से इससे घर में घुस जाते हैं। ये दोनों चोर घर में घुसते ही उस औरत पर हमला करते हैं लेकिन वो देखते हैं कि औरत पहले ही बेहोशी की हालत में पड़ी है। इन दोनों को लगता है कि शायद ये औरत मर चुकी है लेकिन उन्हें ये पता लगता है कि औरत तो जिंदा है लेकिन ये होश में नहीं है। इन दोनों चोरों में से एक का नाम था बॉब जो कि एक यंग था थोड़ा, और दूसरे का नाम था फ्रैंक जो कि एक ओल्ड एज का आदमी था। फ्रैंक बॉब से कहता है कि क्यों ना इस औरत की नींद में होने का फ़ायदा उठाया जाए और उसका रेप किया जाए, लेकिन बॉब ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था और फ्रैंक वो खुद ही उसी नशे की हालत का फ़ायदा उठाता है उसके साथ इंटीमेट होके। लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो औरत कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फ्रैंक थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो ये देखता है कि इस घर के आसपास ज़्यादा रिहायशी इलाका नहीं है और इस घर में इस औरत के अलावा कोई भी नहीं रहता। फ्रैंक बॉब से कहता है कि वो बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है और वो इस औरत के होश में आने के बाद में दोबारा से इसके साथ रेप करेगा। और ये जाते जाते वो ये भी कहता है कि इस औरत को नींद से जगाए रखे। फ्रैंक के जाने के बाद अब बॉब और ये औरत अकेले इस घर में होते हैं। बॉब इस औरत के हाथ और पैर दोनों को बांध देता है ताकि वो हीले ना और उसे सोफे पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से ये औरत होश में नहीं थी। फिर तभी इस औरत के घर के टेलीफोन पर एक वॉइस मैसेज आता है और यहीं से बॉब को पता लगता है कि इस औरत का नाम टोमी है। बॉब टोमी के चेहरे पर एक कवर डाल देता है ताकि वो उसका मुंह देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन कुछ देर के बाद टॉवल के पीछे से ही धीरे धीरे हंसने लगती है और वो बार बार सॉरी भी बोल रही थी, जानने के वो मतलब बड़बड़ा रही थी अपने नींद में। टोमी किसी पू का नाम बार बार वो ले रही थी जो कि एक बच्चे का नाम था। बॉब को समझ नहीं आ रहा था क्या कर मतलब टोमी क्या कह रही है। टोमी फिर से वो सोने जाती है लेकिन बॉब उसे सोने नहीं देता। टोमी बॉब को एक बच्चे के जैसे ट्रीट कर रही थी लेकिन बॉब इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। टोमी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन तभी टोमी बॉब के ऊपर उल्टी कर देती है जिससे कि बॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और टोमी बस बॉब को देखकर हंसे जा रही थी। टोमी फिर से सोफे पे सोने की कोशिश करता है लेकिन बॉब उसे जगाए रखता है। फिर बॉब टोमी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाता है लेकिन टोमी बॉब से परेशान होकर उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है। टोमी बॉब से दूर भागती है और पास में पड़ी हुई दवाइयाँ को खा लेती है। बॉब टोमी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक टोमी वो दवाइयाँ खा चुकी थी, जिसके बाद टोमी को फिर से नशा होने लगता है और बॉब टोमी को जगाए रखने के लिए बाथरूम में ले जाकर उसे पानी से नहला देता है। फिर बॉब से बचने की कोशिश में टोमी जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन आसपास उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब टोमी जोर जोर से चिल्लाया जा रही थी जिससे कि बॉब को और ज़रा गुस्सा रहता है और वो अपना बेल्ट निकालता है और टोमी के गले में टोमी की तरह मतलब बांध कर उसी किसी पालतू मतलब कुत्ते की तरह वो घसीटता हुआ ले जाता है। बॉब टोमी को उसकी बिल्ली का खाना खाने पर मजबूर करता है। फिर बॉब टोनी को डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ाकर उसके साथ जानवर जैसा बर्ताव करता है। फिर बॉब टोनी के कपड़ों को उठाकर एक चाकू लेता है और उसके शरीर पर छोटे छोटे कट मारना शुरू कर देता है और फिर वो बेचारे टोमी के ऊपर मूत भी देता है। टोमी जैसे जैसे बॉब से भागती है और वो जोर से बॉब के टांगों के बीच मार देती है। बॉब का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो टोमी को इतना पीटता है कि टोमी के शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी, जिससे कि बॉब बहुत ज़रा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि टोमी मर चुकी है। टोमी बॉब के टॉर्चर से सिर्फ मतलब वो जख्मी हुई थी लेकिन वो मरी नहीं थी। टोमी बॉब को बहुत ज़रा गुस्सा दिलाती है ताकि बॉब उसे और ज़रा मारे,
आप जैसा कि मतलब वो समझ ही रहे हैं कि टोमी स्टार्टिंग से ही मरना चाहती थी, उसने ये मेडिसिन भी ली थी और अपने अपने आप को काटने की कोशिश कर रही थी, और अब वो बॉब को गुस्सा दिला रही है ताकि बॉब भी उसे मार दे। फिर बॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है यहाँ पे और वो गुस्से में टोमी का रेप कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है जैसा कि टोमी चाहती थी कि वो जान से मारे। बॉब को बस यही लग रहा था कि टोमी बस नशे में है और वो ऐसी हरकतें कर रही है। और फिर बॉब को टोमी का लिखा हुआ सुसाइड लेटर भी मिल जाता है जो कि उसने छुपा के रखा हुआ था। डॉब टोमी का वो सुसाइड लेटर पढ़ने लगता है जिससे कि उसे पता लगता है कि टोमी मरना क्यों चाहती थी। वो टोमी के सामने ही उसका सुसाइड लेटर पढ़ने लग जाता है जो उसने नशे की हालत में लिखा था, और उसने उसमें बस उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी जिसमें बार बार एक बच्चे का भी जिक्र हो रहा था। फिर टोमी बॉब से परेशान होकर वो सुसाइड लेटर ले लेती है और उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब ऐसा नहीं करने देता और वो सुसाइड लेटर छीन लेता है। बॉब ये देखता है कि सुसाइड लेटर बहुत ही ज़्यादा बकवास था जिससे कि बॉब टोमी को दूसरा सुसाइड लेटर लिखने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर बॉब खुद ही टोमी का सुसाइड लेटर लिखने लगता है जिसमें वो बस एक बच्चे के बारे में ही लिखता है। वो उस बच्चे के बारे में उल्टा सीधा वो लिख रहा था और इससे टोमी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो खुद ही अपना सुसाइड लेटर लिखने लगती है जिसके बाद वो बॉब को अपना सुसाइड करने का कारण बताती है। वो बॉब से कहती है कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी वो चर्च में खड़ी हुई थी अपने फियांसे और अपनी फैमिली का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहाँ पर टोमी को ये पता लगता है कि आते समय उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो चुका है और कार में उसका फियांसे और उसके माँ बाप और उसका भाई सबके सब मारे गए हैं। और उसी दिन के बाद से टोमी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और वो इसीलिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन बॉब को ये कहानी बिल्कुल झूठ लगती है, बिल्कुल फेक लगती है, क्योंकि उसने लेटर में किसी बच्चे का जिक्र किया था, ना तो उसने अपने माँ बाप का जिक्र किया था ना फैमिली मेम्बर का जिक्र किया था। और टोमी के घर में उसके पति और उसके बच्चे के फोटो मिलते हैं जबकि टोमी की स्टोरी में तो उसकी शादी नहीं हुई थी। फिर टोमी बॉब से उसकी कहानी पूछती है, लेकिन बॉब अपनी कहानी सुनाने से पहले टोमी के पास आता है और वो उसका फिर से रेप करने लगता है। टोमी बॉब को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने लगती है कि ताकि वो उसे जान से मार डाले। वो बॉब से खुद को जान से मारने के लिए भी कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था, जिसके बाद में बॉब थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो टोमी को अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह से उसकी माँ ने खुद को मार दिया। वो ये बताता है कि उसकी माँ जो थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, और जब बॉब की फैमिली को पता लगा कि उसकी माँ ऐसा काम करती है, शर्म के मारे उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद में बॉब बिल्कुल बेसहारा हो गया था और वो चोरी करने लगा था। अब बॉब और टोमी दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझने लगते हैं कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है अपनी बियर लेके। फ्रैंक बॉब को टोमी को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन बॉब फ्रैंक को ऐसा करने से रोकता है और वो उससे ये कहता है कि टोमी को जाने दे, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता और वो टोमी को बांध कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। टोमी अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और फ्रैंक अब उसका रेप करने वाला था, जिससे कि बॉब को टोमी के ऊपर तरस आ जाता है और वो धीरे से टोमी के हाथ में एक चाकू पकड़ा देता है। फ्रैंक टोमी के साथ में बहुत गंदा व्यवहार कर रहा था, जिससे परेशान होकर टोमी वो चाकू लेती है और उसे फ्रैंक के सीने में मार देती है और फ्रैंक वहीं पर पड़े पड़े मर जाता है। जिसके बाद में टोमी बॉब के पास आती है और वो बॉब को नहीं मारती क्योंकि वो उसके इमोशंस को समझने लगा था, लेकिन बॉब खुद टोमी के हाथ में चाकू पकड़ा जाता है और उसे अपने ही पेट में मतलब घुसा लेता है। जिसके बाद में मूवी में ये सीन दिखाया जाता है कि बॉब टोमी की गोद में है और टोमी उसे अपने बच्चे की तरह अपना दूध पिला रही है और दोनों डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं, जिसके बाद में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको ये कैसे लगी? ये मूवी एक लेडी के ऊपर है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान थी और वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन उसी दिन दो चोर उसके घर में आ गए और उन्होंने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करना शुरू कर दिया जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वैसे तो इस पिक्चर में कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया गया कि टोमी सुसाइड क्यों करना चाहती थी, लेकिन उस पिक्चर में बार बार ये बताया गया था कि टोमी का एक बच्चा था, लेकिन टोमी ने जो कहानी बताई थी वो फेक थी। असल में ये हुआ होगा कि वो बच्चा एक्सीडेंट में मर चुका होगा और टोमी का पति उसको छोड़ के चला गया था, जिससे कि टोमी डिप्रेशन में रहने लगी थी और अपने बच्चे को बार बार याद किया करती, और अपने सुसाइड लेटर में भी उसने सिर्फ अपने बच्चे का ही जिक्र किया था और इसलिए वो मरना चाहती थी। और आपको ये मूवी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और जल्दी फिर मिलते हैं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड डे।